अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर थर्ड व्लॉग। तो की हाल चाल, उम्मीद सब बढ़िया, सब चंगा सी। तो आज सुबह से क्लासेस वगैरह थी, तो 4 बज चुके हैं और सच में आज तो नहाए भी नहीं है सुबह से। और अब हमें जाना है वेलमार्ट, घर की सारी ग्रोसरीज वगैरह सब ख़त्म है। अब नहाएंगे, नहाने के बाद निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाएंगे प्राइसेस ऑफ ग्रोसरीज आफ्टर और ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो सब रेडी हैं तो चलते हैं। हमजा जी भाई रेडी? चले चलो 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 आ जाओ, चलते हैं। तो भाइयों चले, चलो भाई रेडी? बिल्कुल रेडी है भाई, वही मशीन ना। ये भाई अपनी कॉलोनी ही है। भाइयों ये है अपनी कॉलोनी और ये सामने आ रहा है पिज्जा डिलीवरी वाला। मत करो भाई, भाई इतना नाराज क्यों हो रहा है यार, मान जा। हाँ करम, नाराज नाराज सा लग रहा है यार आज। भाई इनकी हो गई लड़ाई, मैं कहना नहीं चाहता कुछ बात थी जिनकी लड़ाई। अरे भाई लड़ाई नहीं होती हमारा यार, प्यार होता बंदे यार है यार। तो भाई चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि लड़ाई के बाद कितनी महंगाई हो गई है यहाँ वेलमार्ट में। लड़ाई के बाद नहीं, लड़ाई के दौरान अभी। हाँ अभी लड़ाई चल रही है, लड़ाई के दौरान आज है, लड़ाई चल रही है यार अभी। यहाँ पे यूक्रेनियन खेती करते हैं फूलों की, एक बार दिखाना हमें भाई। ये भाई घर पे कर रखी है इन लोगों ने खेती, थोड़ी बहुत चीज़ें उगा रखी है यहाँ पे। और अकरम भाई ने इसे नोटिस किया यहाँ पे। चलो भाई इस लोकेशन पे दो फोटो खींचते हैं, तो कैसे आते हैं। ओ भाई चलते जा रहे हैं, बस फोटो लिए थे, कुछ एक आध शॉट डल जाती बस, इसलिए मौसम भी सही है आज। कल बारिश तो हुई थी काफ़ी, कल तो पूरे दिन ही बारिश हुई। कल नहीं परसों, हाँ सॉरी परसों पूरे दिन बारिश हुई। इस वजह से थोड़ा सा मौसम में नमी सी है, मतलब ऐसा ही है, थोड़ा सा भारी भारी सा मौसम। तो करते हैं, कल फ्राइडे है, इन एडवांस जुमा मुबारक टू ऑल मुंबई साइड आल्सो एंड फ्रॉम अकरम साइड। तो वही बस पकड़ेंगे यहाँ से, बस ही ले लेंगे यार, पैदल तो क्या चलेंगे, बस लेंगे यहाँ से बाम से, बस ले लेंगे बाम से। और 24 नंबर जाएगी, 8 नंबर और 24 नंबर बस जाती है वेलमार्ट को, उसमें चलते हैं। चलो भाई अभी टाइम हुआ है 6:23, 6 बज चुके हैं और अभी देखो सूरज अभी मतलब पूरा जोरों पे है, मतलब शाम होगी लगभग 8 बजे के आसपास और इंडिया में 8 बजे तो रात हो जाती है। हो हमने यहाँ पे लास्ट टाइम जब रोजे रखे थे तो जो इशा की नमाज होती है वो 11:30-12 बजे के आसपास पढ़ी हमने इशा की नमाज भी। अच्छा लगता है वैसे भाइयों। यहाँ पर एक जगह है, मैं उस जगह को दिखाता हूँ, यहाँ से मतलब पूरा उस ग्रोथ दिख जाता है। सलमान एक मिनट, यहाँ चलते हैं इस जगह पर।
फौज में भर्ती करा दे यहाँ की में। बिल्कुल भाई, हम चाहते हैं कि हम यूक्रेन के साथ लगे। पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी भाई। AK-47 वगैरह भी तो मिलती कहाँ में? भाई वो मिल रही थी कीव में। नहीं नहीं यार, यहाँ भी मिली थी स्टार्टिंग में। अक्रम पे ध्यान मत दिया करो, ये कुछ भी कह देता है। Oh, oh, oh.
बजकर 33 मिनट पर, 6:33 हम चले थे 6:33 मिनट पर, और अब टाइम हुआ है 7:31 मिनट, तो लगभग एक घंटा हो गया है हमें चलते चलते, पहुँचाए नहीं है इसने अब तक, तो चले उतरते हैं भाई। भाई एक घंटा लगा दिया इसने पहुंचाने में, आखिरकार पहुंच तो गए, कम से कम यहीं से क्रॉस कर लेंगे, चलते हैं भैया जल्दी क्रॉस करते हैं। ये सबसे अच्छा रूल लगता है यहाँ का, आप क्रॉस करो गाड़ियाँ आपके लिए रुकेंगी, क्योंकि ये जेब्रा क्रॉसिंग है, इंडिया में तो जेब्रा क्रॉसिंग का कोई सीन ही नहीं है भाई। तो भाइयों इंडिया की जेब्रा क्रॉसिंग में और यहाँ की जेब्रा क्रॉसिंग में बहुत फ़र्क है, इंडिया में तो रुकते भी नहीं है, यहाँ रुक तो जाते हैं कम से कम। तो भाई चलते हैं भाई और पहुँचते हैं धीरे धीरे। भाइयों ये है वाइपर जिम, ये वाइपर जिम है और इसके नीचे है ATP मार्केट, यहाँ से हम सामान लेके जाते थे जब पहले यहाँ फ्लैट पर रहते थे टोक्यो के पास। ये जिम है, ये जिम भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे लगभग मतलब मीडियम है इसकी भी फीस वगैरह, जिम पर बहुत प्यारा है ये, जस्ट वेलमार्ट के सामने है, इस साइड वेलमार्ट है, और करते हैं अब हम इसे क्रॉस। जेब्रा क्रॉसिंग के फायदे, और ये सामने है वेलमार्ट, ये हमें मिल गया यहाँ पर कुंफू पांडा, इतना बड़ा कुंफू पांडा भाई। ये वेलमार्ट के सामने सर्कस लगा हुआ है, सर्कस में जाएं? नहीं यार अभी नहीं जाते, अभी हमें सामान लेना है। ये सर्कस कुछ ऐसा है भाई, छोटा सा ही है वैसे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। पॉपकॉर्न की महकाई है, पॉपकॉर्न स्टॉल है कासा, और ये अपना वॉलमार्ट में आ गए हैं हम, वॉलमार्ट के पास। भाई इसके लिए सिम भी तो दिलानी थी सलमान, सिम भी तो दिलानी थी इसके लिए, हम सब ले लेते हैं रेडी, चलते हैं अंदर। इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, ये भाई जिसकी है वो ले सकता है, मनी एक्सचेंज। सलमान वेट, मैं अपनी मनी एक्सचेंज करा के देखो यहाँ पे। तो भाई ये चावल का प्राइस है फिलहाल 51। लास्ट टाइम से तो महंगे हैं यार, लास्ट टाइम 25-30 के आसपास होंगे मुश्किल से, हाँ इतने के दिन थे लास्ट टाइम। चलो देखते हैं, ये भाई मैक्रोनी, और मैक्रोनी का प्राइस है 22। सही है यार, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, पहले से थोड़ा बहुत ही फर्क है, सस्ता है, अब देखते हैं। हाँ भाई प्राइस तो नहीं बढ़े काफ़ी ऊपर है, सही है यार, मतलब क्योंकि फिर वही बात वही है ना, क्योंकि पहले $100 के 2600 ग्रीवन मिलते थे, अब $100 में 4,000-4,4100 ग्रीवन मिल जाते हैं, बात वही है। वही बात है, पर देखने में बुरा लगता है। I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?
just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. करीबन के एक किलो और ये हैं ब्लैक वाले अंगूर तो बहुत है अपने घर पे तीनों हैं हमारे घर पे तीनों प्राइस भी इनका सेम ही है ये है एवोकाडो करीबन 119 सही है यार नॉर्मल तो भाई और चीनी और लेनी है ये री चीनी का प्राइस क्या है ऑलरेडी किसी ने पैक कर रखी है भाई तो अकरम बाइक ऑलरेडी पैकिंग में मिल गई है इसे लेके चलते हैं वेट कर लेते हैं इसका ये भाई ये हैं टमाटर टमाटर का प्राइस है 74 टमाटर तो महंगे ही है यहाँ पे ओट्स ओट्स ले लेते हैं ओट्स का प्राइस है 21 सही है रख लेते हैं काम आते हैं यार तो जिम तो अभी ज्वाइन की नहीं है यार फिर भी रख लेते हैं सुबह सुबह में अच्छे रहते हैं और भाई ऐसा कुछ फ़िलहाल वेलमार्ट है प्राइस टैग ही लगे हुए हैं अब तो भाई महंगा ही है फ़िलहाल ये हैं कुछ हरी ताज़ा सब्जियाँ ये है भाई धनिया हरा धनिया ये है भाई हरा ग्रीवन का एक पैक है ये और एक पैक में शायद कुछ 100 ग्राम है हाँ अदरक लेनी है हाँ और भाई ये भी है ये और एक्सपेंसिव है थोड़ा सा ये है भाई ये है सिर्फ 32 ग्राम है भाई ये 32 ग्राम है और ये है 40 ग्रीवन का बहुत महंगा है यार तो सर क्या रह गया अब अदरक हाँ अदरक लेनी थी यार अदरक का प्राइस क्या है अदरक का प्राइस है भाई 103 ग्रीवन ये भाई अदरक है कुछ सही है यार अदरक तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये मिर्च है भाई मिर्च का प्राइस कर ले 119 छोटी पत्ता गोभी है भाई अब ले लेते हैं किचन का सामान ये बर्तन धोने के लिए कितने का ये है भाई 33 ग्रेवर हैंड वॉश और लेनी थी सॉस लेनी लिक्विड लेनी है बस हाँ लिक्विड वाली ले लेना ये बर्तन की है शायद आगे चलना होगा यहाँ से लेना था नमक का यहाँ से लेना था नमक कहाँ पे है भाई सिल तो भाई सिल दिख नहीं रहा है कहाँ पर है लास्ट टाइम यहीं से लिया था यार यही है वो जगह तो यहाँ सिल दिख नहीं
भाई डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क 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 का प्राइस है भाई फिलहाल, मिल्क का प्राइस तो सेम है यार, है ना ये तो सेम है जितना पहले था। हाँ चार पाँच रख ले, और भी दूध तो काफ़ी होना चाहिए यार, वो रख लेना, वो कैफिर दही रख लेना, दही का प्राइस भी सेम ही है भाई, सेम ही है। हाँ दही का प्राइस भी सेम है भाई। और भाई चल ब्रेड वगैरह ले, बस इतना ही था डेयरी प्रोडक्ट। तो भाई ये है ब्रेड, ब्रेड वगैरह सेक्शन, ब्रेड ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है यार, ब्रेड तो सेम ही है। हाँ वो मिली जो हमें लेनी थी, यही ठीक है। हाँ ये भी सही है, ये रख ले, क्या प्राइस है 27 सही है। नहीं ये नहीं है, ये नहीं, ये वाले मत ले। हाँ इसमें से रख ले, हाँ हाँ रख ले। ब्राउन 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 ब्रेड ये है शायद, नहीं 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 ब्राउन नहीं है, ब्राउन आगे हैं शायद। मिली ब्राउन ब्रेड भाई ये ज़्यादा डार्क है, हाँ ये बिल्कुल डार्क 17, ये मतलब कड़वी ज़्यादा लगती है, बहुत ही ज़्यादा। कम देख ले, थोड़ी कम हो तो कोई सेम ही लग रही है। चल इसमें से ले ले फिर, एक करवा लेंगे, रख ले एक तो फिर क्या होगा। चलो भाई ब्रेड वगैरह है ले ली, अब क्या बचा, कोल्ड ड्रिंक ले ले, कोल्ड ड्रिंक लेनी है आज की पार्टी के लिए, भाई के लिए, भाई का बर्थडे था जनस भाई का। भाई ये है वही अल्कोहल सेक्शन, ये फ्रूट है सॉरी फ्रूट जूस है, और ये अपनी कोको कोला, कोका कोला। हाँ कोक ले लेना, ये जी भाई जूस, हाँ जूस रख ले यार, जूस तो अभी भी पीना है यार, ठीक होगा ना। हाँ ये सही है, मिक्स मिक्स वाला है ना ये, हाँ ठीक है ये रख ले। कितने का है ये, मेरी 30 है, सेम प्राइस है यार, लास्ट ईयर भी इतना ही था इसका, मतलब वॉर से पहले या फिर हाँ सेम था, कुछ कुछ तो हुआ है, कुछ फर्क तो आया भाई। ये अल्कोहल है भाई, ये वही सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, फेंटा भाई ये देखो, फेंटा में कलर देखो आप, एक तो ये है और भी यहाँ लगाए हुए नहीं, ये नहीं भाई, ऑरेंज ग्रीन ब्लू रेड सब है भाई, डिपार्टमेंट आसिक भाई के लिए। भाई रख ली कोल्ड ड्रिंक, तो बता फिर क्या रहेगा। तंदूर, तंदूर की रोटियाँ मिलती हैं यहाँ पे, तो भाई अब ले लेते हैं केक, ये वाला, हाँ ये वाला केक लेना। हाउ मच ब्रदर, 256 ये मुझे ये वाला, अरबाज भाई ने यार उसकी कहा था उसको ले आना, प्राइस सेम सही है। कोई सा ले लो, या तो ये या फिर बताओ, बताओ भाई अभी तो कमेंट्स के लिए आई, अरे नहीं बताओ क्रम, ध्यान से पकड़ना। चलो ये वाला, मतलब प्राइस भी बराबर ही है, चलो ये वाला ले लेते हैं। तो भाई ये डन कर दिया है, चलो ये यार प्राइस भी अच्छा ही है इनका भाई, वो केक देख कर हम पर डटा नहीं जाएगा। ये भाई सामने पानी, पानी के भी अलग अलग प्राइस है भाई, नॉर्मली तो सही है। चिप्स ये रही, ये भाई लेस की चीज़ है, प्राइस है इनका 45 ग्रीन, मतलब 100 रुपये समथिंग की है। हाँ पूछ के आना किसी से, कोई मिले तो। ये नमक मिल गया है, कौन सा है नमक, ये सील है, ये यूक्रेनियन में इसको सीले बोलते हैं भाई, ये नमक है इसको बोलते हैं सिल, सिले
भाई 19 गिरीवन का सही है यार। दो रख लेते हैं, दो हाँ दो रख लें, एक और रख ले। चिप्स रख ली, चिप्स रखना। यही रख ले, यही है दो। 45 ग्रीवन की एक है, डन भाई। यहाँ से रख लेते हैं फॉइल और डस्ट, डस्टबिन की पन्नी यार, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कूड़ा फेंकने। मिली कोई फॉइल? कोई अच्छी सी ले लेना। चलो ठीक है, और एक डस्टबिन के लिए और रख लो, एक पॉलीथीन डस्टबिन के लिए छोटी। हाँ ये वाली रख लेते हैं, ये सही भी शायद, बड़ी तो नहीं है ना ये, 60 लीटर वाली है। अच्छा ये तो फिर ज़्यादा बड़ी हो गई, छोटी रख लेते हैं। ये 35, ये भी, ये 35 है, ये रख ले, ये दो रख लेते हैं। तो भाई ये रखते हैं दो, हैंड वॉश और रखने की। ये क्या इस कार्ड में पैसे कम पड़े तो आज कैश दे दिए। अच्छा सारे कार्ड से करा देंगे ना, सारे कार्ड हो जाएंगे। कितने कितनी पेमेंट है कार्ड में? कार्ड यहाँ से लेनी है डस्टबिन। कार कहाँ दिख रही है? दिख भी रही है कहीं भाई? यहाँ तो डस्टबिन ही नहीं दिख रही। हाँ यहाँ पे होंगे, मिल तो गई भाई। स्किल की 149। ठीक है ना ये वाली? ये वाली, हाँ ये वाली सही है, क्योंकि इसमें पैर लग गए। हाँ गुड, डन। और एक ये रख ले, ये वाली। नहीं नहीं दो रखनी है ना भाई? नहीं अच्छी तो रखनी है। हाँ भाई दो रखनी थी, एक हाँ ये वाली और रख लो, एक दो हो जाएंगे फिर। ठीक है डन। भाई बिलिंग टाइम, अब पता चलेगा कितने पैसे देने हैं और कितने लेने हैं। ना 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 ना। भाइयों पैसे तो कुछ ज़्यादा बनाएंगे आज ये, सही है यार। फिर भी मतलब ग्रीवन का रेट ऑलरेडी डाउन है, ग्रीवन का रेट ऑलरेडी डाउन है, इस वजह से वही प्राइस पड़ेगा। इतनी खास महंगाई भी नहीं थी जितनी हम सोच रहे थे, सही है यार। भाई कितने का हुआ है बिलिंग? बिलिंग बिलिंग वहाँ से पता चलेगा उस साइड से, यहाँ पर तो अभी सामान रहता है। ये और रख भाई, सामान मुझे लगता है ज़्यादा तो नहीं हुआ पर सही है। क्या अलग हटा दे यार, अलग हटा दे भाई उसको। क्या हुआ भाई, हो गया डन? तो भाई अब देते हैं इसको बिल, कितना हुआ कितना नहीं। ठीक है, तो भाई बिलिंग हो गई है 1819 रुपये की, वही और जोड़ना डन। ऑल डन है भाई, केक यार ना। पेमेंट बताओ पिन, पिन बता पिन।
हो गया डन। लिमिट दिखा रही है, पकड़े एक मिनट। चला नहीं है भाई, कट गया कट गया कट गया। ये लो क्या पियो, दो पर बात नहीं है। ये भाई कट गया हमारा, डन है भाई, चलते हैं अब यहाँ से। हो गया अब तो यार, पेमेंट हो गई। कितना आया देखा तूने भाई? शुक्रान, सब कुछ ले लिया है, अब यहाँ से चलते हैं। तो भाइयों घर पहुंच चुके हैं और टाइम हो गया 9 बज गए। हम यहां से 6 बजे निकले थे, 3 घंटे के अंदर अंदर हमने कर लिया काम। तो आप लोग को एंजॉय करें, और अगर आपको उस ग्रोथ के बारे में कुछ जानना है तो हमें कमेंट्स में बताएं या फिर डीएम करें, और तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं। और इस वीडियो का लाइक्स का एम रखते हैं 200, ठीक है 200, चलो ठीक है हमारी तरफ से 200, और आप जो करो ठीक है अगर की बात है, और सब्सक्राइबर तो जितने हो जाए उतने ही कम, चलो आप 500 तो करा ही देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, गुड बाय।